वैश्याओं ने मिलके इसको मार दिया। जिन वैश्याओं के लिए जीता था, उनकी इच्छा पूर्ति करता था, उन्हीं वैश्याओं ने मिलकर के इसको मार दिया। मरने के बाद देखो, जिसने जो कर्म किया वो गति मिलती है। इसने अनंत पाप किए, इसलिए एक राक्षस बना, ब्रह्म राक्षस। और साधारण मनुष्य जो जीवन में ज्यादा पाप भी नहीं करता, उसका भी कल्याण इतना मुश्किल से होता है, तो ये तो महाराज अपराधियों का, पाप करने वालों का सिरमौर है। इसने तो जीवन में इतने पाप किए, अब इसका कल्याण कैसे हो। पहले तो गोकर्ण महाराज ने कोशिश करी कि जरा हम पिंडदान इत्यादि करके इसका कल्याण करवा दें। किया भी, पर कुछ लाभ नहीं हुआ। ये पिंडदान करके आए गोकर्ण महाराज, तो रात को सपने में आ रहा है, सामने दिख रहा है, कभी घोड़ा बन के आता, कभी बैल बन के आता, कभी बकरी बन के, रूप बदल बदल के आ रहा है, क्योंकि मनुष्य तो बन नहीं सकता। और तब बताया, अहम भ्राता, कौन हो तुम? मैं तुम्हारा भाई हूं, धुंधकारी इति नामत, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं और मैं ब्रह्म राक्षस बन गया हूं, मुझे यहां से निकालो। गोकर्ण महाराज ने कहा, 100 बार पिंडदान करके तो आए तेरे लिए हम गया में। धुंधकारी बोला, 100 नहीं, करोड़ बार भी कर दोगे तो भी मेरा उद्धार नहीं होने वाला, इतने पाप किए मैंने, तो फिर कैसे कल्याण हो। गोकर्ण महाराज बोले, चिंता नहीं करो, कोई समाधान खोजते। समाधान खोजने के लिए सबसे पूछा, कोई बता ना पाया, तो सूर्य भगवान से पूछा, तो सूर्य भगवान ने गोकर्ण महाराज को आदेश दिया कि तुम अपने गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराओ, इसको भागवत सुनाओ, इसका कल्याण हो जाएगा। और तब गांव में कथा रखी गई, सब चारों ओर क्षेत्र में सूचना पहुंची, सब लोग आए कथा सुनने। धुंधकारी भी आए, कहां बैठूं, कौन सी जगह कथा सुनूं, क्योंकि ब्रह्म राक्षस ऐसे तो कहीं बैठ नहीं सकता। तो एक बांस जो वहां पंडाल में कथा के प्रांगण में पड़ा था, धुंधकारी आकर के उसमें बैठ गया। 7 दिन तक भूखा प्यासा उसी में बैठ करके कथा सुनता रहा। 7 दिन बाद जैसे कथा विश्राम हुई, बांस फटा और उससे धुंधकारी एक दिव्य मुक्त व्यक्ति, दिव्य आत्मा, मुक्त आत्मा का स्वरूप धारण करके प्रकट हो गया। और केवल प्रकट नहीं हुआ, उसको ले जाने के लिए विमान आ गया, चलो तुमको अपने भगवान के पास लेकर के चलते। विमान में धुंधकारी को बिठाया, गोकर्ण महाराज ने शंका जताई कि भाई विमान लाना ही था, तो जितने थे सबके लिए लाते, एक के लिए ले आए, बाकी के इनका क्या। दूतों ने कहा, महाराज कथा सुनना और उसको आचरण करना अलग बात है, सुनना भी कम बड़ी बात नहीं, लेकिन जो आचरण कर ले महाराज वो तो सोने पे सुहागा। इन सब ने सुनी, उतारी नहीं, धुंधकारी ने मन में उतारी, इसलिए इसके लिए अब की बार विमान आया, अगली बार फिर कराओ, अगली बार सबके लिए विमान आएगा। और फिर अगली बार जब कथा हुई, सबके लिए विमान आया, सबको विराजमान किया और सब लोग एक साथ भगवान के धाम गए। इस प्रकार भागवत जी एक इतने बड़े पापी धुंधकारी का उद्धार करके उसका कल्याण करती हैं। ऐसी ये पवित्र भगवान का स्वरूप कही जाने वाली श्रीमद् भागवत है। इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यश्या श्रवण मात्रेन हरिश्चित्तम समाश्रयेत। ये कथा सदा सेव्या है, सदा सुनने वाली है। भागवत के लिए कोई तिथि नियम नहीं होते कि भाई फलाने मुहूर्त में फलाने तारीख को इसी दिन से शुरू होनी चाहिए। बोले नहीं, जिस दिन भागवत शुरू हो जाए वही शुभ मुहूर्त है, वही अच्छा मुहूर्त है जब भगवान की कथा शुरू हो रही है। सदा सुनो, किसी घर में कोई सूतक हो गया है,
कोई किसी मृत्यु हो गई, जन्म हो गया, तो हम कहते ना इतने दिन पूजा मत करो। पूजा पाठ के देखो विधान है, जैसा जिसकी गुरु आज्ञा वैसा करना चाहिए, पर कथा सुनने का कोई नियम नहीं है। शौच अशौच मासिक धर्म इत्यादि कोई भी हो, पर कथा सुनने के लिए कोई बाधक नहीं। सुनना चाहिए, हमेशा सुनना चाहिए। श्रवण करने से जीवन में कल्याण होता है। नियम क्या है भागवत को सुनने के लिए? कोई विशेष नियम नहीं है, बस तुम कलयुग में तो यही नियम है कि भैया जितनी भी कथा सुनो श्रद्धा से सुनो, भाव से सुनो, ये हमारा कल्याण कर देगी, ऐसा भाव रख के सुनो तो भागवत जी जरूर हमारा कल्याण अवश्य करती हैं। इतनी भागवत जी में शक्ति है, इतनी भागवत जी में ताकत है। तो भागवत का महत्व सुनाया, भागवत की श्रवण करने की विधि सुनाई, और फिर भागवत का प्रथम स्कंद आरंभ होता है, जहाँ से श्री व्यास जी भागवत को लिखना आरंभ करते हैं, वहां से कथा शुरू होती है व्यास जी के द्वारा रचित की गई। उसको हम सब कल की जो कथा सत्र होगी उसमें सुनेंगे, उसका श्रवण पान हम करेंगे। आइए विश्राम की ओर बढ़ते हुए सभी थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन का आनंद लेंगे। जो भी कथा को व्यवस्था को संभाल रहे उन सबसे निवेदन है, वैसे तो हम बाद में बोल सकते थे पर हम माइक पर ही बोल देते ताकि हमारी बात मान ली जाए, कि श्रोताओं में थोड़ी सी अगर हो सके तो लाइट बढ़ा दे, अंधेरे होने के बाद कोई चेहरा दिखाई नहीं देता, थोड़ा रहेगा तो और सब थोड़ी व्यवस्था का इस पर ध्यान देंगे। आइए सभी 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन का गान करते हुए भाव से हरे कृष्णा हरे